तो भाई साहब, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू फ्रेश एपिसोड में गैंगस्टर वेगास के। और यहाँ पर हमको भी नहीं पता हम क्या करने वाले हैं, तो पर बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि जो भी कुछ करने वाले हैं ना, आपको भरपूर मज़ा आएगा गाइस। यहाँ पर देखो, अभी अपना ये चल रहा है, सोते साते उठते भागते हर जगह से ये चल ही जा रहा है। पता नहीं इसे ही कहाँ पर जाना है। रुको, एक मिशन हम देख लेते हैं, अच्छा तगड़ा सा, और देखते हैं क्या करने वाला है। ये तो मेरे को द रॉक की तरह लगता है गाइस। अगर आपको भी ये द रॉक की तरह लगता है तो एक बार मुझे कमेंट पे ज़रूर से बताइएगा। रनर ऑन द रन, मेरे ख्याल से इसमें ना भागने वाला काफ़ी मिशन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ओ हो, पीछे क्या सीन, तो देखो गाइस क्या चल रहा है वहाँ पर। तो चलो उस पर ध्यान ना देखते हुए, हमारे पास अभी एक कोई बंदी खड़ी हुई है यहाँ पर, और ये हमें कुछ प्लान बता रही है। तो देखते हैं कौन सी सिचुएशन क्या है। और वो हमारा पैसा लेके भाग चुका है, तो यहाँ पर हमें एक परफेक्ट प्लान बनाना है और उससे ना अपने पूरे पैसे को प्रोटेक्ट करना है। तो चलो, ई मैन से हम पूरा उसका पता दे दिया है इस लड़की ने, तो हम ई मैन को पकड़ के पूछना है और उससे पैसे भी लेने हैं। तो चलो गाइस, यहाँ से हम भागना चालू कर देते हैं। पहले उस ई मैन को ढूंढेंगे जिसने हमारा पैसा लेके भाग गया है, उससे हम पूरे पैसे भी लेंगे और पता पता भी पूछेंगे कि कौन बंदा था। तो रुक जाओ, यहाँ कहाँ से स्लाइड स्लाइड कहाँ मार रहा हूँ यार मैं। रुक जाओ बेटे, यहाँ से चलो, तुम रास्ता भूल गए क्या यार, ये छुप छुपा किससे रहे हो, कूद के जाओ नीचे। हाँ अब सही है। पता नहीं यार गाइस, ये पगलाने क्यों लगता है, ये ई मैन को क्या हो गया, नशे में टल्ली है क्या। बेटे ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा हुआ है, द रॉक यहाँ पर है। अभी ई एम समथिंग नॉट सच मच डिपेंड, वे आर सेंड मी, उसका पता मुझे दे दो और मुझे बताओ कि मुझे किसकी बैंड बजानी है यहाँ पर। तो वॉट आप, देखते क्या बोल रहा है गाइस। यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन द बोट फील्ड सो मच लव, वो जैकेट अ कपल कैट्स बोट गॉट इट। तो यहाँ पर ही खड़ा हो चुका है, इसने तो मुझे सारा पता वता बता दिया है। एक कोई बंदा है जो कि हमारे पैसे वैसे लेके भाग चुका है, इसके पास कोई भी पैसा नहीं है, क्योंकि ये उससे पूछ रहा था, अगर इसने मुझे नहीं बताया तो उसकी तो हम लगा देंगे बात। तो चलो गाइस, आगे देखते हैं इसने हमें किसका, जेसन का पता इसने बताया, तो मुझे पहले इसका पीछा करना है। अब ये हमें बताएगा गाइस कि कौन बंदा है और कहाँ से लेके भाग गया है वो। तो चलो इसका मैं पीछा कर देता हूँ, काफ़ी तेज़ भाग रहा है यार, ये अपना बंदा क्यों नहीं भाग रहा है। यहाँ से हमें फिर वही नौटंकी करने लगा। तो चलो कूद के हम इसका पीछा कर लेते हैं यहाँ पर। अभी ई मैन का मैं पीछा कर रहा हूँ और यहाँ पर पूरी गैंग खड़ी है। दिस इज़ योर ड्रैगन, आई एक्सपेक्ट समवन वॉज लिटिल। ये लोग सोच रहे थे कि हम कोई छोटे हैं, यहाँ तो हम ड्रैगन मॉन्स्टर सब हैं, तुम्हारे लिए तो हम अकेले ही काफ़ी है। हैंड ओवर द फॉर्मुला और ड्रग, हमें फार्मूला भी दे दो और ड्रग भी दे दो, नहीं तो तुम्हें ही हम बजाते हैं लिटिल जोर। और ये भागने लगा है, मिस मस्कुलर मैन स्कूल डेट फॉलो। तो चलो हम उसका पीछा करते हैं, अभी मज़ा आएगा ना बिड़ू। इसको पकड़ना है और गाइस इसकी धुलाई करनी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पर इन लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड से भाग रहे हैं, मेरा प्लेयर क्या करके आया है बेटे, कोई गलत काम तो नहीं करके आया है तू। यहाँ पर ये भाग नहीं पा रहा है, सबसे पीछे मैं ही भाग रहा हूँ गाइस, देख रहे हो। पता नहीं यार, वो अपना ई मैन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, पर मैं इस लिटिल जोर को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। रुक जा रुक जा, ये थक जरूर रहा है पर मैं स्लो भाग रहा हूँ, बट वो थक रहा है पर मुझसे फास्ट ही भाग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, वेगास की दुनिया में देखते कहाँ। अरे ये बिल्डिंग के कहाँ जा रहा है बेटे, तू बिल्डिंग में क्या चांद में भी चले जाएगा ना, तेरे को पकड़ के मारूंगा वहाँ से भी। तो रुक जा, अभी मैं इसके ऊपर से जाता हूँ छलांग लगाते हुए गाइस। और यहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ, ये पता नहीं किसके घर में चढ़ गया है चोरों की तरह। रन ऑफ लिटिल चोर, यहाँ हम पकड़ रहे हैं, भाग तो रहे हैं, कितना पीछा करेंगे उसको। हम यहाँ से अभी सीधा सीधा चलते हुए जा रहे हैं, और ये पता नहीं कहाँ भाग रहा है यार। स्टॉप चेजिंग मी, हमें पैसे दे दोगे तो हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे मुन्ना, तुम कहाँ तक भागोगे, जहाँ तक जाओगे वहाँ हमें पाओगे, नीचे भी आ रहे हैं हम। आई एम योर डैड बेबी, यू डोंट फाइट मी, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते हो यहाँ पर, हम तुम्हारे बापा ही हैं ना, आप कहाँ जा रहे हो। रुक जाओ, ये आ चुका है, हम इसे पकड़ लिया है,
ईमैन ने यहाँ पर घेर लिया है। ले बेटे, तू बहुत मुझे दौड़ा रहा था ना, तेरी तो अब वाट लगाता हूँ। ये ले ये ले ये ले ये ले, कहाँ लड़ पाओगे तुम हमसे, फाड़ के रख देंगे तुमको। अपना ईमैन आ चुका। आई हेड सी अ किड गो डाउन। हाँ, वो बच्चा ज़रूर था, पर उसने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा भगा लिया है। मैंने इसकी हेल्प कर दी है। सम आउट नो हार्ट ब्रेकिंग टाइम अगेन डेड हेल हर फ्रोजन ओवर। तो हमारा काम यहीं पर ही ख़त्म हो चुका है गाइस। ई मैन का यहाँ पर इनकी बातचीत चल रही है कि आगे कौन सी चीज़ें में हमारा हाथ भी दे सकता है। ये आने वाले मिशन्स में गाइस ये हमारा काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो चलो देख लेते हैं कि इनकी क्या बातें चल रहे हैं। कैन हेल्प मी विथ माई फ्रेंड। यहाँ पर इन लोग दोस्त भी बन चुके हैं, ई मैन और हमारा द रॉक भाई। तो चलो गाइस, इन लोगों की बकवास तो चलते ही रहेगी। और यहाँ पर मेरे ख्याल से तो अपना मिशन भी ना कंप्लीट हो चुका है। इस वाले मिशन में गाइस मज़ा तो हमें काफ़ी ज़्यादा आया है। अगर आपको आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे करके ज़रूर से बता दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, क्योंकि एक ही दिन में पूरे मज़े थोड़ी ना ले लेंगे, रोज़ अलग अलग दिन में मज़े लेंगे। तो ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मेरी बाकी सारी वीडियोज़ को भी प्यार फैलाइए। ओके।